क्षेत्र के इस्माइलपुर में प्रशासन की नाक के नीचे पिछले कई सालों से डीजल पेट्रोल का काला कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह के लोग ड्राइवर की मिलीभगत से डिपो से ऑयल स्टेशनों को जा रहे टैंकर से डीजल और पेट्रोल चुरा कर कारोबार करते हैं और ऑयल स्टेशन से कम दाम में तेल बेचते हैं, जिससे कि लोगों को कम दाम में अब तेल मिल जाए। वहीं जब इसी काले कारोबार की सूचना जिले के SP शैलेश कुमार पांडे को मिली तो उन्होंने CO सिटी लक्ष्मीकांत गौतम के नेतृत्व में एक टीम को मुख्यालय से नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में भेजा, जहां CO की छापेमारी में डीजल चोरी के गिरोह का पता लगा, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 12,000 लीटर डीजल और एक टैंकर बरामद हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जुट गई है। गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो डिपो से विभिन्न ऑयल फिलिंग स्टेशंस के तरफ जाते हैं, उन टैंकरों से चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। एक स्पेसिफिक सूचना इस्माइलपुर की थी। उस सूचना के आधार पर मेरे द्वारा CO सिटी की टीम को यहां से भेजा गया था और उन्होंने जब छापेमारी की तो एक 12,000 लीटर पेट्रोल का टैंकर वहाँ पर मिला।